आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन करके इस मैच को जीत लिया। बता दें, शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम में दूसरे T20 मुकाबले में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 श्रीलंका के विरुद्ध। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, दूसरे T20 मुकाबले में शिखर धवन को किसके साथ सलामी बल्लेबाजी करनी चाहिए, पृथ्वी शो या देवदत्त पडिक्कल? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच रविवार 25 जुलाई को 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बड़ा ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके इस मैच को जीत लिया। दोस्तों बता दें, भारतीय टीम ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों के छक्के ही छुड़ा दिए और इस मुकाबले में जीत हासिल करके सीरीज 1-0 की बढ़त बना ली। ऐसे में श्रृंखला का दूसरा मैच और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जहां भारतीय टीम दूसरे मैच को जीतकर श्रृंखला को अपने नाम करना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम सीरीज में अपनी वापसी करके भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देना चाहेगी। दोस्तों पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी बड़ी शानदार रही, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने इस मैच में जीत हासिल की। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी फीकी रही, जिसकी वजह से भारतीय टीम श्रीलंका के सामने 165 रनों का लक्ष्य रख पाई, जो कि बेहद ही एक मामूली सा लक्ष्य है। इस वजह से चयनकर्ता दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी में कई बदलाव करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों बता दें, सबसे पहला बदलाव तो भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजी में होगा। इस मुकाबले में कप्तान शिखर धवन के साथ भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भारत की ओर से अपना डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। पृथ्वी शो के बेहद खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनको इस मुकाबले से बाहर करा जा सकता है। वहीं इनके बाद तीसरे नंबर पर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। यह अपने शानदार प्रदर्शन से इस मुकाबले में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में काफी मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं इसके बाद चौथे नंबर पर ईशान किशन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते नजर आ सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए पांचवें नंबर के बल्लेबाज की, तो इस पद पर संजू सैमसन या फिर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आ सकते हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ को इस मुकाबले में खेलने का मौका मिला तो वो भारतीय टीम की ओर से अपना डेब्यू करेंगे। दोस्तों वही अगर बात की जाए इस पूरी श्रृंखला में खराब फॉर्म से जूझ रहे हार्दिक पांड्या की, वो इस मुकाबले से बाहर किए जा सकते हैं और उनकी जगह युवा खिलाड़ी कृष्णप्पा गौतम को खिलाया जा सकता है। ये ऐसा खिलाड़ी है जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में अपना पूरा योगदान दे सकता है। वहीं इनके बाद कुणाल पांड्या इनका साथ देते नजर आ सकते हैं। कुणाल पांड्या ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से भारतीय टीम को शुरुआती विकेट दिलाई थी, तो भारतीय टीम को दूसरे T20 मुकाबले में भी खिलाना जरूर चाहेगी। दोस्तों वही अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो पहले T20 मुकाबले की तरह दूसरे T20 मुकाबले में भी भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर तेज गेंदबाजी की कमान संभालते नजर आ सकते हैं। वहीं इनके साथ भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज चेतन सिकारिया भारत की ओर से T20 में अपना डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। अगर आखिरी खिलाड़ी की बात की जाए तो भारतीय टीम की यजुवेंद्र चहल को इस टीम में खेलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फिरकी गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बड़ी आसानी से फंसा सकते हैं। लेकिन वही आप सभी को क्या लगता है, किस खिलाड़ी को दूसरे T20 मुकाबले में खेलने का मौका देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।